हफ्ते में फिगर लगाया गया है कि किस तरह से ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का पहले बिल्कुल पहाड़ था मिट्टी से ढका हुआ, और दूसरा फिगर में आपको दिखेगा ये सीढ़ी जो खुदाई करके कुछ भाग निकाला गया है, तीसरे फिगर में आपको पूरा पार्ट दिखाई देगा, और जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पत्थर का पाया पड़ा हुआ है, और इसी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का मेन पार्ट है। कैसे हो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ बिहार का बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का, जो कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 1250 साल पुराना यूनिवर्सिटी था, जो कि पाल राजवंश के राजा धर्मपाल इसकी स्थापना करवाए थे, जो कि अब खंडहर के रूप में बदल गया है। इसको 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ध्वस्त करवा दिए थे आक्रमण करके। आज का ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है, तो बने रहिएगा ब्लॉग पर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं विक्रमशिला स्टेशन, और ये स्टेशन भागलपुर से 38 किलोमीटर दूरी पर है बाय ट्रेन, और बिहार की राजधानी पटना से 260 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और अभी सुबह के 10 बजे हैं और जाड़े का मौसम है, इसलिए हमने कैप भी लगा रखा है। और दोस्तों, विक्रमशिला स्टेशन का कुछ इस तरह से व्यू है, और विक्रमशिला स्टेशन से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम चलेंगे वहाँ पर, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जाने के लिए ऑटो लेना होगा हमको यहाँ से। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ, फिर दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। दोस्तों, ये है यहाँ विक्रमशिला के बाहर ऑटो स्टैंड, और यहाँ से पूरब की तरफ यानी मेरे पीछे जाना होगा, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, फाइनली पहुंच चुका हूं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के पास। ये बाहर का इस तरह का नज़ारा है, और आगे वहां पर टिकट काउंटर है। चलिए सबसे पहले अब टिकट लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर। और गाइस, हमने टिकट ले लिया है, टिकट मिला है 25 रुपये का, ये टिकट, और ये टिकट को कटिंग कर दिया ऊपर से। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा आप इसमें इंटर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। और दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ इस यूनिवर्सिटी का मेन रोड के पास, और अभी आप देख सकते हैं मैं इस यूनिवर्सिटी का व्यू, आगे क्या है इसके बारे में जानेंगे नीचे पहुँच कर। ये देख सकते हैं, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का मेन पार्ट है, और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण 770 ईस्वी में पाल राजवंश के राजा धर्मपाल ने करवाया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मेन गेट जो है, इससे होकर के नीचे सीढ़ी के माध्यम से नीचे जाना होता था, और ये मेन गेट के दोनों तरफ पत्थर का कटिंग करके देख सकते हैं किस तरह से पाया बनाया गया होगा। और इधर भी सेम डिज़ाइन का ही पत्थर है, और इधर भी ये पाया ही बनाया होगा। और आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ इधर साइड में पत्थर पड़ा हुआ है, जिस पर बौद्ध भगवान का नक्काशी किया गया है। अब चलते हैं नीचे और दिखाते हैं यहाँ का सारा कुछ। इस यूनिवर्सिटी में जब आप मुख्य गेट से नीचे आएंगे तो सामने आपको मिलेगा तिब्बती मंदिर, ये है तिब्बती मंदिर। चलिए अब चलते हैं इसके ऊपर, इसकी बनावट देख सकते हैं
कितना छोटा छोटा ईटा से बनाया गया है। और इधर ये पाया है, हो सकता है कि यहाँ पर पहले मंदिर का रूम होगा। और यहाँ से चलते हैं, यहाँ सीढ़ी बनाया गया है ऊपर जाने के लिए। देख सकते हैं कि इधर अवशेष के रूप में पत्थर का पाया है जो टुकड़ा हो चुका है। और यहाँ एक पत्थर है जो गेट के ऊपर में लगाया गया होगा। और इधर भी एक पाया पड़ा हुआ है। और इस तिब्बती मंदिर का ये मेन मंदिर का रूम है। और यहाँ देख सकते हैं ये पत्थर का कटिंग करके डिजाइन बनाया गया है। हो सकता है कि ये खिड़की हो रहा होगा उस समय। चलिए अब दूसरे तरफ चलते हैं। दोस्तों ये प्लेस जो आप देख रहे हैं ये मनौती स्तूप है। मनौती स्तूप वो होता है जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी होती है। और बौद्ध धर्म मानने वाले भिक्षु सब यहाँ पर ध्यान की मुद्रा में बैठते थे और अपना ध्यान करते थे। चलिए थोड़ा सा चलते हैं अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पाया सब दिखता है जो कि बख्तियार खिलजी इसको आक्रमण करके और इसको ध्वस्त करवा दिए थे। और देख सकते हैं कि ये छोटा छोटा पाया का निचली सतह है। और इस पर पाया खड़ा किया होगा आज से 1250 साल पहले। और ये बीच में बड़ा सा प्लेस और इस पर बौद्ध धर्म के भिक्षु सब बैठते होंगे और अपना ध्यान करते होंगे। और इस तरह का काफ़ी पाया यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और इस तरह से चारों तरफ पाया बनाया गया है। और उधर भी एक बड़ा प्लेस है और इसके चारों तरफ आपको पाया दिखता होगा। और ये मेन भाग है इसका मनौती स्तूप का। और यहाँ बुद्ध भगवान का प्रतिमा रहा होगा। और यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ये लोग भी यहाँ पर देखने के लिए घूमने के लिए आए हैं। चलिए अब चलते हैं और बाहर। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का ये मेन जगह के पास। और यहाँ से अंदर एंट्री लिया जाता होगा। और अभी आप ये बड़ा सा प्लेस है और इसके दोनों तरफ ये पाए के डिजाइन का पत्थर है जो अब टूट चुका है। और 1203 ईस्वी में जो मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी आक्रमण करके इसको ध्वस्त करवा दिए थे उसके वजह से ये सब मिट्टी के अंदर दब गया था। और खुदाई के वक्त निकला है जो अब रद्द हो चुका है ये सब। लेकिन फिर भी आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये बरामदा टाइप का होगा। और यहाँ जो आप छोटा सा कमरा देखते हैं यहाँ पर कुछ इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कागजात का काम होता होगा। और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में भी आप देख सकते हैं इसी तरह से बरामदे डिजाइन का बनाया हुआ है। और यहाँ से पाया ऊपर गया होगा और छत रहा होगा इस पर। और इधर भी एक कमरा छोटा सा बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा और आगे। दोस्तों एक बार आप इधर नज़र डाल सकते हैं, ये जो सीढ़ी बनाया गया है इसमें पत्थर का यूज किया गया है। और आज के समय में तो सीमेंट बालू और छोटे छोटे स्टोन चिप्स का प्रयोग किया जाता है, बट उस समय तो सीमेंट नहीं होता था, इस वजह से पत्थर का लोग इस्तेमाल करते थे। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पत्थर का पाया पड़ा हुआ है और इसी पाया का प्रयोग किया गया था इस यूनिवर्सिटी को तैयार करने के लिए। और दोस्तों जो यहाँ पर टोटल 160 विहार हुआ करता था जो कि आज क्लासरूम के नाम से जाना जाता है। और अभी आप देख सकते हैं
ये छोटा छोटा कमरा है और इसी में अध्ययन किया जाता था और यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। दोस्तों ये जो आप कमरा देख रहे हैं इसी तरह से और भी आगे उधर कमरा बनाया हुआ है, जब केवल अवशेष के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध था इस वजह से, और यहाँ पर मुख्य रूप से व्याकरण, तत्वज्ञान और न्याय के अध्ययन कराई जाती थी। अब इधर आप देख सकते हैं कि इधर पीछे की तरफ ये निकास द्वार था जिससे विद्यार्थी बाहर आ जा सकते थे। इधर एक तरफ ये है निकास द्वार, इधर भी बनाया गया है और इसी तरह से इधर भी है। और इसी तरह से दोस्तों इसके दूसरी तरफ भी, यानी ये लेफ्ट साइड का पार्ट है और राइट साइड का भी पार्ट में इसी तरह से छोटा छोटा कमरा बनाया गया है। चलिए उसको भी दिखाने का कोशिश करते हैं आपको। और दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में सबसे मुख्य भिक्षु जो थे वो दीपांकर थे, जो कि लगभग 200 ग्रंथ का रचना कर चुके थे और यहाँ 100 से भी अधिक अध्यापक कार्यरत थे। और 1200 ईस्वी में यहाँ पर लगभग 3000 विद्यार्थियों का अध्ययन करने का प्रमाण मिला है आपको, दीपांकर के ही रचना किए हुए किताब में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब आपको दूसरा पार्ट दिखाते हैं। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ राइट साइड में और अभी आप देख सकते हैं यहाँ भी छोटा छोटा कमरा बनाया गया है और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी अध्ययन कक्ष ही रहा होगा। और मेन बात ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी था इसमें प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी को सबसे पहले प्रवेश परीक्षा पास करना होता था, इसलिए ये यूनिवर्सिटी अपने आप में प्रसिद्ध है। और इसी वजह से 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी आक्रमण करके इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करवा दिया। चलिए अब ये देख सकते हैं आप, इसका ये मुख्य भाग है और अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है और क्या कुछ यहाँ से जानकारी मिलता है हम लोगों को। बने रहिएगा वीडियो पर। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मुख्य स्तूप के पास और ये मुख्य स्तूप जो आप देख, इसको बनाने के लिए मिट्टी के गारे का और ईंट का प्रयोग किया गया था। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का मुख्य स्तूप के पास और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है मुख्य स्तूप का मुख्य गेट। और यहां पर भी भगवान बुद्ध का प्रतिमा हुआ करता था और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, यहाँ पर ही भगवान बुद्ध का प्रतिमा स्थापित था। और यहाँ से आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का पूरा व्यू दिखेगा। और दोस्तों मेरे ये दोस्त लोग हैं जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं। हाय फ्रेंड्स। और चलिए आप ये मुख्य स्तूप के सामने जो ये दिख रहा है आपको, ये लोहे का जाली, इसके अंदर में ये खड़ा था जो कि लोग उस समय आज से 1200 साल पहले पानी रखते थे और इसमें पीने का काम करते थे। आज तो वर्तमान समय में टंकी का यूज किया जाता है, लेकिन उसमें इस घड़ा का ही प्रयोग किया जाता था जो कि अंडरग्राउंड है। और इस तरह से यहाँ टोटल 4 जगह आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पानी स्टोर किया जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं ये मुख्य स्तूप का पश्चिम वाला भाग है और यहाँ मुख्य स्तूप पर टोटल 6 द्वार हैं
और अब चलते हैं दूसरे द्वार की तरफ। और अभी आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया है और ये ईंट का प्रयोग किया गया है और ये मिट्टी के कार्य का। और चलते हैं अब दूसरे द्वार की तरफ। देखिए ये बरामदा का पाया है और यहाँ इसके जस्ट सामने में ये है दूसरा मुख्य द्वार। और यहाँ भी भगवान बुद्ध का प्रतिमा हुआ करता था और देख सकते हैं उस समय आज से 1200-1250 साल पूर्व किस तरह से छत ढाला जाता था, जो कि आज भी उसी तरह से दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं तीसरे मुख्य द्वार के पास। और इधर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से दिखता है पश्चिम की तरफ व्यू। और यहाँ नए साल में काफी मात्रा में भीड़ होती है, लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और दोस्तों ये है तीसरा मुख्य द्वार और यहाँ पर भी भगवान बुद्ध का ही प्रतिमा हुआ करता था। यानी टोटल 6 मुख्य द्वार है और टोटल में भगवान बुद्ध का प्रतिमा था जो कि नष्ट हो चुका है। और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये टोटल 119 एकड़ में विस्तार है इसका। चलिए अब और चौथे मुख्य द्वार के पास चलते हैं। ये चारों तरफ राउंड जो है ये बरामदा हुआ करता था और नीचे भी बरामदा था। और दोस्तों ये है चौथा मुख्य द्वार और यहाँ अवशेष के रूप में आपको दिखता होगा ये पत्थर। और तो कुछ यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस केवल ये मुख्य द्वार ही देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं ये छोटा छोटा पत्थर जो अवशेष के रूप में मिला है वो इसी तरह से छोड़ दिया गया है यहाँ पर। और इस तरह का पाया जो बरामदे का डिजाइन का है ये आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। चलिए और दिखाते हैं आपको उस जगह पर चल करके कि वहाँ पर क्या कुछ दिखाई देता है। तो अब मैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिशा में आ चुका हूँ और हमने आपको दिखाया था कि वो जो है ये मुख्य भाग है और उसके जस्ट पूर्व की तरफ आपको ये प्लेस दिखेगा। और ये जो प्लेस देख रहे हैं आप, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ भी बिल्कुल वही उसी तरह से देख सकते हैं कि कितना लंबा ये खाली प्लेस है। ये जो प्लेस है पूरी तरह से खाली है और काफ़ी लंबा है और ये बरामदा हुआ करता था। और ये जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा ये क्लासरूम हुआ करता था, क्योंकि वहाँ जो आपको दोनों तरफ दिखाए थे वहाँ पर 160 कमरा आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ भी ये कमरा ही बनाया गया है। और ये भी अध्ययन कक्ष था जहाँ पर लोग अध्ययन करते थे। देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्लेस है और इसी तरह से सेम माप का ये है, तो इससे अनुमान तो ज़रूर लगाया जा सकता है ये निश्चित तौर से एक अध्ययन कक्ष ही होगा। चलिए अब आपको और आगे थोड़ा लेकर के चलते हैं। और यहाँ का लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ लगभग 30% खुदाई हुआ था, इसके बाद खुदाई होना बंद हो गया क्योंकि ये सरकार के अंडर में है। तो सरकार कब चाहेगी कि ये खुदाई हो और कब चाहे कि खुदाई ना हो ये तो उसके ऊपर में डिपेंड करता है।
और पीछे की तरफ ये देख सकते हैं ये गोलाई, और ये गुंबज की तरह होगा जो ऊपर गुंबज बनाया गया होगा, और आगे की तरफ क्लासरूम। तो चलिए गाइस थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको और भी क्या कुछ यहाँ देखने के लिए मिलता है। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बिल्कुल आगे की तरफ, और यहाँ भी काफ़ी कुछ इतिहास से जुड़ी बातें देखने के लिए मिलता है। चलिए आप दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ है। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये जो आपको दिख रहा होगा इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुआं है, और इसके अंदर में पत्थर सब है। चलिए अब चलते हैं म्यूजियम की तरफ और फिर दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ मिला है यहाँ खुदाई करने के दौरान। बने रहिएगा वीडियो पर। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ म्यूजियम के पास, ये म्यूजियम का मेन गेट है, और चलिए अब चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि म्यूजियम में क्या क्या अवशेष मिला था जो कि संयोज करके रखा गया है। और ये म्यूजियम का भवन है, और इसके जस्ट सामने में ये छोटा सा पार्क बनाया गया है, और अभी सामने में आपको झूला सब दिखाई देता होगा वो 1 जनवरी के लिए सेटअप किया गया है। चलिए अब सीधे चलते हैं म्यूजियम के अंदर। गाइस अब पहुंच चुके हैं म्यूजियम के अंदर, और यहाँ आप देख सकते हैं ये बरामदे में फिगर लगाया गया है कि किस तरह से ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का पहले बिल्कुल पहाड़ था मिट्टी से ढका हुआ, और दूसरा फिगर में आपको दिखेगा ये सीढ़ी जो खुदाई करके कुछ भाग निकाला गया है, तीसरे फिगर में आपको पूरा पार्ट दिखाई देगा, और जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।